In this video, we are going to discuss about what are the characteristics of enzyme catalysis. तो इटा तुम्हारे दिमाग क्या क्वेश्चन आस पारे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस जेंदी पढ़ दिलो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटालिस्ट कैटालिसिस सेमदे आउट आसला कोन व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक बा फर्स्ट प्रॉपर्टी आसला तुम्हारे कोन एफिशिएंसी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आसला कोन एफिशिएंसी तो से गला एंजाइम्स आर हाईली एफिशिएंट एंजाइम उडा तुम्हारे कोन हाईली एफिशिएंट दैट मींस तुम्हारे यूनिवर्स रे जत्ते भी कैटालिस्ट असंती सब कैटालिस्ट तुम्हारे कोन एंजाइम डा कोन हाईली एफिशिएंट माने बहुत स्पीड रे माने कोन रिएक्शन रो रेट को बढ़ांती तो लेखो फर्स्ट पॉइंट एफिशिएंसी रे लेखो एंजाइम्स आर हाईली एफिशिएंट कैटालिस्ट सेकेंड पॉइंट लिखो दे इनक्रीज द रेट दे इनक्रीज द रेट बाय 10 to the power 8 टू 10 to the power 20 टाइम्स माने केते फास्ट रे माने कोन रिएक्शन रो रेट को बढ़ाउ जंती माने लाइट रो स्पीड थारु भी अधिक स्पीड रे कैटालिस्ट एंजाइम गुडा को रिएक्शन रो रेट को बढ़ाउ जंती क्लियर तो एटा लिखो 10 to the power 8 टू 10 to the power 20 टाइम्स ता तळे गुटे लेखो if there were no enzyme in our digestive system it would have taken 50 years to digest a single meal ये माने कौन जदि आम बॉडी रे जदि एंजाइम न था ताले गोटे सिंगल मील को डाइजेस्ट करिया पाई कौन 50 वर्ष लागि जीव क्लियर तो माने एते स्पीड रे कैटालिस्ट ता तमर कौन रिएक्शन करु जी रिएक्शन रेट को बढ़ाउ जी नेक्स्ट पॉइंट लिखो स्पेसिफिसिटी जेमिति पढ़ दिला कैटालिस्ट आर स्पेसिफिक इन नेचर सेमिति एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर बुझबार नै कैटालिस्ट ता तमरो कोन एंजाइम रे कोन जाउ जी तमरो कैटालिस्ट रे एंजाइम डा जाउ जी तो एंजाइम डा स्पेसिफिक इन नेचर दैट मींस कैटालिस्ट आर स्पेसिफिक इन नेचर क्लियर तो स्पेसिफिक इन नेचर मींस तो तमरो एंजाइम डा गोटे ही केमिकल गोटे निर्दिष्ट केमिकल रिएक्शन रे गोटे ही एंजाइम यूज हबो क्लियर फॉर एग्जांपल तमरो जो थिला यूरिया डिकंपोजिशन ऑफ यूरिया तो जब तक हमें यूरिया को डिकम्पोजिशन करेगी कौन पा प्रिपेयर कर दिले अमोनिया तो सत्य एंजाइम किए यूज होता यूरेज एंजाइम क्लियर तो यही केस जब हमें जाइमेज एंजाइम यूज करवा तार कौन सी रिएक्शन रेट को बढ़ेब ना क्लियर एमती जब मन कर एन मिथाइल यूरिया को डिकम्पोजिशन करने कौन यूरिया यूरेज एंजाइम यूज हेनी एका कथा क्लियर एन मिथाइल यूरिया जब हमें यूज कले यूरिया जगह मुझे यूज कली एन मिथाइल यूरिया तो सही केस कौन यूरेज एंजाइम फंक्शनाइज कर क्लियर तो निर्दिष्ट रिएक्शन पाई निर्दिष्ट बायोलॉजिकल बा बायोकेमिकल रिएक्शन पाई निर्दिष्ट एंजाइम यूज हबो क्लियर तो लिखो एंजाइम्स आर स्पेसिफिसिटी लिखो एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर ईच एंजाइम कैटालाइज ओनली वन रिएक्शन only one chemical reaction for example enzyme urease catalyze only hydrolysis of urea not n methyl urea तो से कहला कौन एन मिथाइल यूरिया डा डिकम्पोजिशन होबा पई तमरो कौन यूरेज एंजाइम यूज हुए ना है क्लियर तो स्पेसिफिसिटी गला थर्ड प्रॉपर्टी इज योर स्मॉल क्वांटिटी जेमिति
कैटलिस्ट रो प्रॉपर्टी पढ़ी स्मॉल क्वांटिटी रो जदी कैटलिस्ट यूज करजो ताले भी से रिएक्शन रेट को बहुत स्पीड रे मूव कर तो सही भाया भी एंजाइम टाइम जदी स्मॉल अमाउंट रो एंजाइम जदी भी यूज होजी ये कोन करबो बायोकेमिकल रिएक्शन रो एक्टिविटी को आरो कोन स्पीड रे बायोकेमिकल रिएक्शन को अधिक स्पीड रे प्रोसीड करइबो क्लियर तो स्मॉल क्वांटिटी लेखन थर्ड पॉइंट स्मॉल क्वांटिटी तो लेखो दे आर स्मॉल क्वांटिटी इज नीडेड दे आर माने कोन एंजाइम गुडा करो इज नीडेड बिकॉज़ दे आर रीजेनरेटेड तो आम जानते कौन कैटलिस्ट आर रीजेनरेटेड कैटलिस्ट कौन मिसयूज मैंने कौन पुणी थे जेनेट भी होजी क्लियर तो से तुम कौन स्मॉल अमाउंट रो एंजाइम बा स्मॉल अमाउंट रो कैटलिस्ट यूज करले भी तुम कौन एम रिएक्शन रो रेट टाकु भी इनक्रीज करते क्लियर देन फोर्थ पॉइंट ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच तो सी कह कि गोटे कौन डेफिनाइट टेम्परेचर बा किसी गोटे पर्टिकुलर टेम्परेचर रे एंजाइम गुड़ाक भल से काम करती क्लियर तो जब तुम टेम्परेचर टा 37 डिग्री सेल्सियस थी आउ पीएच टा 7.4 थी दैट मीन बेसिक जदि ए दुटा कंडीशन थी बोले ताले एंजाइम टा कौन भल से रिएक्शन टाक प्रोसीड कर भल से काम कर क्लियर तो से तुम देख टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस कौन एंजाइम टा भल से काम कर तो से खरा दिन जब गोटे मिल खाऊ क्लियर तो यहाँ कौन जल्दी डाइजेस्ट हो जाए टेम्परेचर अधिका क्लियर तो से तुम शीत दिन टेम्परेचर के 22-25 27 डिग्री सेल्सियस रोज तो शीत दिन जो गोटे मिले खाऊ से कौन डाइजेस्ट होगा कौन लेट्रे डाइजेस्ट हो क्लियर तो कौन जेहतु तुम अधिक हाई टेम्परेचर एंजाइम टा भल से काम कर सेमती पीएच टा जो तुम कौन बेसिक थी 7.4 थी यही कंडीशन रे तुम कौन एंजाइम टा भल से काम कर तो नॉर्मली आम बॉडी रे पीएच टा कौन बेसिक बॉडी रो पीएच टा बसिक कौन आम कौन बॉडी रे ब्लड अच्छी तो ब्लड टा भी कौन बेसिक नेचर तो से कौन एंजाइम टा भल से काम कर क्लियर तो जदि यही कंडीशन रे यही कंडीशन रे तुम कौन एंजाइम टा भल से काम कर भल से फंक्शनलाइज कर तो लेख ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच तो लेख एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शंस हैव मैक्सिमम रेट आर्ट फिजियोलॉजिकल ब्रैकेट लेखो ह्यूमन बॉडी तापर ये कंडीशन दुटा लेख यही कंडीशन रे तुम एंजाइम टा भल से काम कर टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस पीएच टा 7.4 क्लियर देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी एंजाइम्स आर डिस्ट्रॉयड बाय यूवी रेज नेक्स्ट वर्ड लिखो एंजाइम्स आर डिस्ट्रॉयड बाय यूवी रेज तो यूवी रेज जदि तुम बॉडी उपर पड़ा तो कौन एंजाइम गुड़ाक डिस्ट्रॉय हो जाए क्लियर तो किंतु आम बॉडी नॉर्मली कौन यूवी रेज पड़ूनी तो यूवी रेज जो आसूस सूर्य जो कौन यूवी रेज जो आसूस कौन ओजोन लेयर ता कौन अब्जर्व कर दे जो कौन आम बॉडी पड़ूनी तो से बॉडी पड़ूनी मैंने तुम कौन एंजाइम गुड़ा से कौन बचिक रही जदि आम बॉडी में यूवी रेज डायरेक्ट पड़ता था कौन एंजाइम गुड़ा मरी जाते तो एंजाइम गुड़ा मरीगले कौन निजे ही मरीज क्लियर तो एंजाइम आर डिस्ट्रॉयड बाय यूवी रेज तापर नेक्स्ट पॉइंट लिख एंजाइम्स फॉर्म्स कोलोइडल सॉल्यूशन इन वाटर तो जो वाटर रे तुम एंजाइम टाक पकेब से कौन कोलोइडल सॉल्यूशन फॉर्मेशन कर क्लियर तो सही लिख हेन्स दे आर वेरी एक्टिव कैटलिस्ट हेन्स जो कि हेन्स कैटलिस्ट एंजाइम्स आर वेरी एक्टिव कैटलिस्ट
एंजाइम्स आर वेरी एक्टिव कैटलिस्ट तो से कौन एंजाइम गुड़ाक कौन एक्टिव तो दीज आर द सिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम कैटालिसिस क्लियर तो यहाँ तुम शॉर्ट नोट आसे दि मारिया तीन मारिया क्वेश्चन आसे ये छटा पॉइंट लिख क्लियर तो नेक्स्ट आम डिस्कस करवा तुम कौन सरफेस केमिस्ट्री अब्जॉर्प्शन एडसॉर्प्शन सरला देन तुम कैटालिसिस भी सरला देन कौन आ गोटे नुआ पार्ट सरफेस केमिस्ट्री आउ गोटे पार्ट एड कर दैट इज योर कोलोइड्स बा कोलोइडल सॉल्यूशन क्लियर ए पार्टा कोलोइडल सॉल्यूशन पढ़ला तुम सरफेस केमिस्ट्री सर क्लियर द लास्ट पार्ट ऑफ सरफेस केमिस्ट्री इज योर कोलोइडल सॉल्यूशन तो हेडिंग दियो कोलोइड्स हेडिंग दियो कोलोइड्स कोलोइड्स बा कोलोइडल सॉल्यूशन कोलोइड्स बा कोलोइडल सॉल्यूशन तो आमर विभिन्न प्रकार सॉल्यूशन अच्छी क्लियर ट्रू सॉल्यूशन सस्पेंशन तापर कोलोइडल सॉल्यूशन तो तुम्हारा जो विभिन्न प्रकार सॉल्यूशन अच्छी तो सॉल्यूशन रे जो पार्टिकल अच्छा सॉल्यूशन कौन अच्छी मैंने कौन से पार्टिकल गुड़ाक अच्छा तो तुम पार्टिकल साइज को देखिए तुम सॉल्यूशन को तीन भाग में विभक्त कर सॉल्यूशन रे जो तुम पार्टिकल अच्छी पार्टिकल साइज को देखिए तुम सॉल्यूशन टाक तीन भाग में डिवाइड कर क्लियर फर्स्ट वन इज योर ट्रू सॉल्यूशन सेकंड वन इज योर कोलोइडल सॉल्यूशन थर्ड वन इज योर सस्पेंशन क्लियर तो लेख तीन टा पार्ट कर दूसरी तो तुम एटा भी डिफरेन्स आसे ह्वाट आर द डिफरेन्स बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलोइडल सॉल्यूशन दि मार्के क्वेश्चन ह्वाट आर द डिफरेन्स बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलोइडल सॉल्यूशन बा एमती आसो ह्वाट आर द डिफरेन्स बिटवीन कोलोइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन ट्रू सॉल्यूशन तो तीन टाक गोटे डिफरेन्स कर दूसरी ट्रू सॉल्यूशन तापर आसला कोलोइडल सॉल्यूशन कोलोइडल सॉल्यूशन देन थर्ड इज योर सस्पेंशन तो तुम आगुरी पढ़ी दिव स्कूल लेवल पढ़ी दिव क्रिस्टालॉइड पार्टिकल्स कोलोइडल पार्टिकल्स सस्पेंसॉइड क्रिस्टालॉइड कोलोइड सस्पेंसॉइड तो क्रिस्टालॉइड माने जो माने जो पार्टिकल मान साइजा स्मॉल जो पार्टिकल मान साइजा वेरी स्मॉल ता कोन कहंती क्रिस्टालॉइड तो क्रिस्टालॉइड पार्टिकल रो साइजा तमरो मन रख वेरी स्मॉल तापर नेक्स्ट क्रिस्टालॉइड पार्टिकल साइज थारु अधिका साइज वाला जो आसीबो दैट इज योर कोलोइडल पार्टिकल्स दैट मींस तमरो कोलोइडल पार्टिकल रो साइजा क्रिस्टालॉइड पार्टिकल रो साइज थारु अधिका तापर तुम कोलोइडल पार्टिकल साइज थारु अधिका साइज वाला जे आसीबो दैट इज योर सस्पेंसॉइड सस्पेंसॉइड दैट मीन सस्पेंसॉइड सस्पेंसॉइड जो पार्टिकल गुड़ाक थी तार साइजा सब अधिका तो मन रखिल क्रिस्टालॉइड रे पार्टिकल साइजा वेरी स्मॉल कोलोइड रे स्मॉल तापर कौन सस्पेंशन रो कौन लार्ज पार्टिकल साइजा कौन लार्ज तो एटा नहीं आम देखा ट्रू सॉल्यूशन कोलोइडल सॉल्यूशन सस्पेंशन फास्ट गोटे कौन एग्जांपल देख ये एग्जांपल टा बुझला माने ए तीन टा को जानि जेबो ट्रू सॉल्यूशन कौन कोलोइडल सॉल्यूशन कौन सस्पेंशन कौन तो फॉर एग्जांपल मु गोटे कंटेनर नेली बा गोटे वेसल नेली बा गोटे भाव गोटे कौन काच ग्लास गोटे नेली क्लियर तो ए काच ग्लास रे कौन नेजी वाटर नेजी काच ग्लास रे कौन नेजी वाटर नेजी सेम भलिया कोलोइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर करिया पई भी गोटे कौन कंटेनर नेजी बा गोटे ग्लास नेजी तो एटा कौन नेजी वाटर नेजी ए केस रे भी सेम तीन टा को एक बुझे एडे भी कौन वाटर नहीं तो तीन टा कैसे देखो सेम गोटे ग्लास टे नहीं तो ग्लास रे तुम कौन वाटर नहीं तीन टा कैसे रे क्लियर तापर कौन करी सॉल्ट ऐड कली कौन सॉल्ट बा एनएससीएल बा तुम सुगर भी ऐड कर पार तुम पानी रे तुम कौन सॉल्ट ऐड कली सुगर ऐड कली तो कौन हो गला सॉल्ट सॉल्यूशन हो गला कौन हो गला बर्तमान सॉल्ट सॉल्यूशन
से भाया एट्रे तुम वाटर कौन आड कले स्टार्च आड कले स्टार्च स्टार्च मान तुम कौन अटा कि मैदा यहाँ कौन स्टार्च तो स्टार्च एट्रे आड कले तापर नेक्स्ट तुम सैंड आड कले बाड कले वाटर कौन बाड कले तीन टा गैस देख फास्ट गैस सल्ट आड कली सेकेंड गैस स्टार्च आड कली थर्ड गैस सैंड आड कली क्लीअर तो एबे जो सल्यूशन दिस इज योर सल्ट सल्यूशन दिस इज योर स्टार्च सल्यूशन दिस इज योर सैंड सल्यूशन बामी लिख पार स्टार्च इन वाटर सैंड इन वाटर लिख पार क्लीअर तो यहाँ गोटे कौन ही होमोजेनियस मिक्सचर बुझे यहाँ गोटे कौन दुटा जिन मिसा तो कौन गोटे मिक्सचर तो यहाँ कौन गोटे होमोजेनियस मिक्सचर फास्ट सल्यूशन टाइम गोटे कौन होमोजेनियस मिक्सचर होमोजेनियस मिक्सचर सेकेंड आउ थर्ड ये दुटा कौन हेट्रोजेनियस मिक्सचर हेटेरोजेनियस मिक्सचर हेटेरोजेनियस मिक्सचर सॉल्ट सॉल्यूशन दिस इज वन टाइप ऑफ हेटेरोजेनियस मिक्सचर हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्लियर तो होमोजेनियस मिक्सचर मीन्स तुम्हारो होमो मीन्स कौन सेम तो से कह जो मिक्सचर टा है बुझे जो सॉल्यूशन रे जो जगार मुझे कौन सॉल्ट सॉल्यूशन है तो से कह होमोजेनियस मीन्स तो ये सॉल्यूशन मुझे जो जगार सॉल्ट सॉल्यूशन आनबी सब जगह सेम सेम कौन प्रॉपर्टी थी बा सेम प्रॉपर्टी थी मीन्स सेम टेस्ट थी क्लियर मन कर गोटे सॉल्ट सॉल्यूशन अच्छे मन कर जगार कौन सॉल्ट सॉल्यूशन आनली तो ये जगह सॉल्ट सॉल्यूशन आनिकी टेस्ट कली तो कौन जो नेचर थी जगह भी सॉल्ट सॉल्यूशन आनली से सेम टेस्ट थी क्लियर तो सेम टेस्ट दैट मीन सेम प्रॉपर्टी तो से कौन होमोजेनियस मिक्सचर क्लियर किंतु तुम स्टार्च सॉल्यूशन सैंड सॉल्यूशन केस रे कौन ये जगह जो सल्यूशन आई जगह जो सल्यूशन आते डिफर कर टेस्टा तो जो तुम वाटर में अटा कि तुम कौन मैदा आड कर केस कौन हो कौ जगह तुम कौन अटाटा अधिका मिशुच कौ जगह कौन फ्लोट हो क्लीअर कौ जगह उपर भी अटा अधिक रही पार्टी क्लीअर ये केस तुम सैंड सल्यूशन तो सैंड सल्यूशन ये केस तुम सैंड आड कर मैंने कौन सैंडा तुम कौन तले बस जा बुझे तो एड़ जो प्रॉपर्टी एड़ जो प्रॉपर्टी अलग कर टेस्ट अलग आस क्लियर तो से कौन हेट्रोजेनियस मिक्सचर हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन तो जान पार फास्ट पॉइंट दिस इज योर ट्रू सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर दिस टू आर हेट्रोजेनियस मिक्सचर तो यही केस वाटर जो सॉल्ट एड कर कौन सॉल्ट इज कंप्लीटली कौन डिजॉल्व हो जाए वाटर सॉल्ट इज कंप्लीटली डिजॉल्व इन वाटर तो एबे तुम कौन पार्टिकल गुड़ाक तुम खाली आखिरी देखा जीवन अरे वाटर रे सॉल्ट गुड़ाक कंप्लीटली डिजॉल्व हो गला तो तुमको पार्टिकल गुड़ाक खाली आखिरी देखा जीवो नहीं किंबा तुम कौन माइक्रोस्कोप रे भी ए पार्टिकल गुड़ाक साइज तुमको देखा जीवो नहीं सॉल्ट सॉल्यूशन जो पार्टिकल गुड़ाक अच्छा साइजा तुमको कौन खाली आखिरी देखा जीवो नहीं किंबा माइक्रोस्कोप रे भी देखा जीवो एई केस रे स्टार सॉल्यूशन केस रे तुम कौन एमानकर पार्टिकल हाँ एमानकर पार्टिकल रो साइजा केते 0.1 नानोमीटर टू 0.1 नानोमीटर टू 1 नानोमीटर यही ट्रू सॉल्यूशन रे जो सॉल्ट सॉल्यूशन रे जो पार्टिकल गुड़ाक अच्छा सॉल्यूशन माने कौन पार्टिकल ही थी तो ये जो पार्टिकल गुड़ाक अच्छा यहाँ साइजा के 0.1 नानोमीटर टू 1 नानोमीटर नानोमीटर मीन्स 1 नानोमीटर के 10^-9 मीटर माने के स्मल जान पार तो पार्टिकल रईज गुड़ाक तुम कौन खाली आखिकी देखा जीवो ना तो से पार्टिकल साइज 0.1 नानोमीटर टू 1 नानोमीटर हेट यही केस कोलोइडल सॉल्यूशन केस तुम जो पार्टिकल भी अच्छी तो ये जो पार्टिकल कौन कह कोलोइडल पार्टिकल्स अरे कोलोइडल सॉल्यूशन रे जो पार्टिकल अच्छी दैट इज योर कोलोइडल पार्टिकल्स तो यही केस जो पार्टिकल गुड़ाक अच्छा यहाँ साइजा तुम ट्रू सॉल्यूशन जो पार्टिकल साइज ठार टे अधिका क्लियर दैट मीन्स पार्टिकल साइजा तुम कहते 1 नानोमीटर टू 10^2 नानोमीटर क्लियर यही केस 0.121 नानोमीटर टू 10^2 नानोमीटर तो यही केस जो पार्टिकल गुड़ाक तुमको खाली आखिरी नेकेड आई देखा जीवन यही केस तुम कौन माइक्रोस्कोप रे ए पार्टिकल गुड़ाक तुम देख पार ये कोलोइडल सॉल्यूशन जो पार्टिकल अच्छी माइक्रोस्कोप रे देख पार दे नेक्स्ट तुम सस्पेंशन केस सस्पेंशन केस कौन कही सॉल्यूशन जो पार्टिकल गुड़ाक अच्छा सैंड मैंने कौन सॉल्यूशन टा कौन तुमको खाली आखिरी तुम कौन देखा जीवन तो खाली आखिरी देखा जीवो माइक्रोस्कोप रे भी देखा जीवो तो एटा कौन यहाँ साइजा के 10^2 नानोमीटर पर जिते अच्छे बुझे 10^2 नानोमीटर रू आरंभ कर 10^4, 5, 10^8 नानोमीटर ये पार्टिकुलर साइजा अधिका मैंने 10^2 नानोमीटर ठारू यहाँ साइजा कौन अधिका तो पार्टिकुलर साइज जाणीगल
ट्रू सल्यूशन पार्टिकल साइज केते 0.1 to 1 nanometer कोलोइडल सल्यूशन कोलोइडल पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर टू 10^2 nanometer यार कौन 10^2 nanometer क्लियर तो लेख फास्ट पॉइंट लेख फास्ट पॉइंट लेख ट्रू सल्यूशन लेख एम तीन टाइम डिवाइड कर लेख ट्रू सल्यूशन लेख इट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ट्रू सल्यूशन तले लेख इट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ना होमोजेनियस सल्यूशन लेख होमोजेनियस सल्यूशन लेख इट इज ए होमोजेनियस सल्यूशन इन हुईज द साइज ऑफ पार्टिकल इन हुईज द साइज ऑफ पार्टिकल lies between 0.1 nanometer to 1 nanometer माने एतिकी रेंज रे तुमर ट्रू सल्यूशन पार्टिकल गुड़ाक साइज क्लियर ए रेंज टा तो मन रख दो से भाया ए केस रे लिख इट इज ए हेटेरोजेनियस सल्यूशन कोलोइडल सल्यूशन केस रे कोन लिखो इट इज ए हेटेरोजेनियस सल्यूशन इन हुईज द साइज ऑफ द पार्टिकल लाइज बिटवीन 1 nanometer to 10^2 nanometer सेम लैंग्वेज सेम रहइबो खाली जहा पार्टिकल साइज चेंज हबो आ लैंग्वेज एटे जो ट्रू सल्यूशन जो लैंग्वेज डाकुजी कोलोइडल सल्यूशन सस्पेंशन केस रे भी से सेम लैंग्वेज खाली जहा पार्टिकल साइज एटा जहा चेंज हबो तो ई केस लिखियो साइज ऑफ पार्टिकल लाइज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 10^2 nanometer ई केस रे सेम लिखियो इट इज ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर इन हुईज द साइज ऑफ द पार्टिकल इज मोर देन 10^2 nanometer क्लियर तो फास्ट पॉइंट पड़ेगा फास्ट पॉइंट ऑफ ट्रू सॉल्यूशन कोलोइडल सॉल्यूशन सस्पेंशन सरला देन नेक्स्ट तो से कहला ट्रू सॉल्यूशन जो पार्टिकल गुडा को छथि से कहला ट्रू सॉल्यूशन रे तमर जो पार्टिकल गुडा को छथि ए गुडा तमर कोन आयन बा मॉलिक्यूल बुझबा ल ट्रू सॉल्यूशन जो पार्टिकल गुडा छथि एडा कोन आयन मॉलिक्यूल तो सॉल्ट माने कोन सोडियम क्लोराइड नउ जी सल्ट मैंने कौन सोडियम क्लोराइड एटा गोटे मॉलिक्यूल तो सोडियम क्लोराइड जो वाटर पड़े कौन आयन फॉर्मेशन कर ना एन ए प्लस सी एल माइनस क्लियर तो ट्रू सल्यूशन जो पार्टिकल गुड़ाक से गुड़ा कौन मॉलिक्यूल एंड आयन्स तो लिख द पार्टिकल्स आर ट्रू सल्यूशन सेकंड पॉइंट द पार्टिकल्स आर आयन्स एंड मॉलिक्यूल्स द पार्टिकल्स आर आयन्स एंड मॉलिक्यूल्स क्लियर तापर देखो कोलोइडल सॉल्यूशन केस रे एई केस रे तमरो कोन पार्टिकल गुडा को तमरो कोन द पार्टिकल्स आर आइदर सिंगल मॉलिक्यूल गोटे सिंगल मॉलिक्यूल किंबा तमरो छोटो छोटो एटम बा छोटो छोटो मॉलिक्यूल एग्रीगेट हेगी गोटे बडो मॉलिक्यूल करनते तो तमरो जतले स्टार्च डा वाटर ऐड करजो तो तमरो कोन स्टार्च पाउडर गुडा को तमरो कोन मिसिकी तमरो कोन गोटे कौन कोलोइडल सॉल्यूशन कर तो यही केस रे कौन स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स तुम एग्रीगेट एकाठी होगी तुम कौन यही कोलोइडल सॉल्यूशन तैयार कर तो लिख इन दिस केस लिख यही केस द पार्टिकल्स आर आइदर सिंगल मैक्रोमोलिक्यूल्स द पार्टिकल्स आर आइदर सिंगल मैक्रोमोलिक्यूल्स मैक्रो मीन्स बड़ तो तुम छोट छोट पार्टिकल गुड़ाक मिस कौन गोटे लार्ज मॉलिक्यूल कर तो दैट इज योर मैक्रो मॉलिक्यूल लिख द पार्टिकल्स आर आइदर मैक्रो मॉलिक्यूल्स और एग्रीगेट्स ऑफ स्मॉल एटम्स और मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट्स ऑफ स्मॉल एटम्स और मॉलिक्यूल्स यही केस रे भी सेम कोलोइडल सॉल्यूशन केस रे जेमदी होजी सस्पेंशन केस रे भी सेम तो यही केस रे कौन द पार्टिकल्स आर आइदर एग्रीगेट टू फॉर्म ए सस्पेंशन बा यही केस रे तुम जो पार्टिकल गुड़ाक अच्छा मन कर सैंड सॉल्यूशन तो सैंड पार्टिकल बा सैंड एटम बा मॉलिक्यूल गुड़ाक तुम कौन एकाठी एग्रीगेट हो गोटे कौन लार्ज मॉलिक्यूल तैयार कर तो यही केस रे भी लिख सेम द पार्टिकल्स आर एग्रीगेशन ऑफ मॉलिक्यूल और एटम एग्रीगेशन मीन्स एकाठी होगा द पार्टिकल्स आर एग्रीगेशन ऑफ एटम और मॉलिक्यूल एटम कि मॉलिक्यूल गुड़ाक तुम कंबाइन होगी कौन गोटे लार्ज बा मैक्रो मॉलिक्यूल तैयारी करते तो तुम सेकंड पॉइंट सरला थर्ड पॉइंट देख तो यही केस रे देख थर्ड पॉइंट देख यही केस रे जेहेतु तुम पार्टिकल साइज डा भेरी स्मॉल पार्टिकल साइज डा भेरी स्मॉल तो तुम कौन हो खाली आखिरे तुम कौन पार्टिकल गुड़ाक देखिपर ना बुझा खाली आखिरे देखिपर ना कि माइक्रोस्कोप देखिपर ना यही केस रे कोलोइडल सॉल्यूशन केस रे कौन
खाली आखिरी देखिपर कि तुम माइक्रोस्कोप देखिपर जेहत पार्टिकुलर साइज आधिक बड़ तो तुम सस्पेंशन केस कौन से आंड सल्यूशन तो तुम पार्टिकुल गुड़ा खाली आखिरे देखिपर विथ माइक्रोस्कोप देखिपर तो लिख थर्ड पॉइंट द पार्टी थर्ड पॉइंट लिख ट्रू सल्यूशन द पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल थ्रो द पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल थ्रो नॉट विजिबल थ्रो पावरफुल माइक्रोस्कोप मैंने पावरफुल माइक्रोस्कोप भी पार्टिकल गुड़ाक साइज तुम देखिपर ना पार्टिकल को देखिपर क्लीयर यही केस लिख द पार्टिकल्स कोलोइडल सल्यूशन केस लिख द पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल थ्रो द पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल थ्रो नेकेड आई थ्रो नेकेड आई मान नेकेड आई रे खाली आखिरे तुम कौन पार्टिकल गुड़ा को देखिपर ना बट विजिबल थ्रो पावरफुल माइक्रोस्कोप देखिपर सस्पेंशन गैस लिख यही गैस तुम कौन पार्टिकल गुड़ा को तुम कौन खाली आखिरे देखिपर तर कौन माइक्रोस्कोप भी देखिपर लिख द पार्टिकल्स आर विजिबल थ्रो नेकेड आई एंड पावरफुल माइक्रोस्कोप द पार्टिकल्स आर विजिबल थ्रो नेकेड आई एंड पावरफुल माइक्रोस्कोप क्लियर देन चार नंबर पॉइंट देख तीन नंबर पॉइंट जान लो चार नंबर पॉइंट देख ये जो सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन एटा कौन ट्रांसपेरेंट द ट्रू लिख एटा देख ट्रू सॉल्यूशन तुम कौन ट्रांसपेरेंट माने कौन स्वच्छ ट्रांसपेरेंट ट्रू सॉल्यूशन कौन ट्रांसपेरेंट तो तुम कोलोइडल सॉल्यूशन कौन ट्रांसलुसेंट मीन्स माने कौन अधा देखा अधा देखा ट्रांसलुसेंट माने कौन अर्ध स्वच्छ ट्रांसलुसेंट ट्रांसलुसेंट सस्पेंशन तुम कौन ओपाक दैट मीन्स तुम कौन अस्वच्छ तो लिख ये कौन द सॉल्यूशन इज ट्रांसपेरेंट ए केस रे द सॉल्यूशन इज ट्रांसलुसेंट ए केस रे द सॉल्यूशन इज ओपाक दैट मीन्स एटे स्वच्छ अर्ध स्वच्छ कौन अस्वच्छ क्लियर तापर नेक्स्ट पॉइंट देखो पांच नंबर पॉइंट तो आम जो गोटे सल्ट सल्यूशन करते गोटे सल्ट सल्यूशन कर सल्टा कौन वाटर में डिजल्व हो जाए बुझे ना सल्टा कौन वाटर में डिजल्व हो जाए तो यही केस तुम पार्टिकल गुड़ा तले बसुना जो तुम लुण पा कि चीनी पा कर तो से केस कौन पार्टिकल गुड़ा तले बसुना सब गुड़ा कौन डिजल्व हो जाए केस लिख कौन द पार्टिकल्स आर लिख द पार्टिकल्स डू नॉट सेटल लिख द पार्टिकल्स आर काट दियो द पार्टिकल्स डू नॉट सेटल सेटल मीन्स तुम कौन बसंती ना द पार्टिकल्स डू नॉट सेटल कोलोइडल सॉल्यूशन केस देख कोलोइडल सॉल्यूशन केस कौन पार्टिकल गुड़ा कौन सेटल हमें ना कौन तो जो वाटर तुम स्टार्स अटा आड कर कौन अटा पाउडर गुड़ा कौन वाटर में भाषुंट तुम कह मैंने कौन जो तुम वाटर पकईदेव से अटा गुड़ा तेल बस सेटल हमें कितु जो वाटर थोड़े जो स्टार्च पाउडर आड करते कौन गुड़ा कौन भाषु क्लीयर तो केस लिख कौन द पार्टिकल्स डू नॉट सेटल ये भी कौन कोलोइडल सॉल्यूशन केस पार्टिकल गुड़ा कौन तले बसती ना द पार्टिकल्स डू नॉट सेटल तब देख सॉल्ट सॉल्यूशन केस तुम सस्पेंशन सस्पेंशन केस कौन पानी जो तुम बाली आड कर केस कौन बालीटा तुम कौन तले बस जाऊँच क्लीयर तो ये केस तुम कौन पार्टिकल गुड़ा कौन तुम तले सेटल हो जाती तो लिख ये कौन द पार्टिकल्स सेटल क्लीयर द पार्टिकल सेटल कत नंबर पॉइंट गला पांच नंबर पॉइंट गला यही केस पार्टिकल गुड़ाक तले सेटल हमें ना यही केस पार्टिकल गुड़ाक तले सेटल हमें ना यही केस पार्टिकल गुड़ाक तले सेटल हमें क्लीयर तप नेक्स्ट पॉइंट देख लिख दो डू नॉट सेटल तापर नेक्स्ट पॉइंट देखो एक केस रे ट्रू सॉल्यूशन जो पार्टिकल गुड़ा कर साइज कौन वेरी स्मॉल बुझिपाल ना तो जिते गोटे आम पार्चमेंट मेम्ब्रेन रे पास करवा जिते गोटे ट्रू सॉल्यूशन कौन पार्चमेंट मेम्ब्रेन रे पास करवा तो देखो व्हाट इज पार्चमेंट मेम्ब्रेन
PERCH-MEMT parchment membrane. So this is one type of semi-permeable membrane. This is just like a semi-permeable membrane. तो आम जानते सेमिपरमेबल मेम्ब्रेन कौन मेम्ब्रेन कौन छोट छोट कणा थी बुझे ना आम जो पढ़ते ऑस्मोटिक प्रेशर सेमिपरमेबल मेम्ब्रेन तो कौन छोट छोट कणा थी से भाया तो पार्चमेंट मेम्ब्रेन इज वन टाइप ऑफ एनिमल मेम्ब्रेन तो यही पार्चमेंट मेम्ब्रेन कौन छोट छोट कौन कणा थी फॉर एग्जांपल तुम चा छणा टाइप रुझे चा छणा टाइप रो पार्चमेंट मेम्ब्रेन एटा को या सहित इमाजिन कर तो छोट छोट कणा थी तो यही केस रे तुम पार्टिकुलर साइज टा कौन छोट तो छोट माने कौन ये तुम ये छोट छोट कणा देखिए पार्टिकल गुड़ाक पास कर जाते बुझीपाल तो मन रख केस ट्रू सल्यूशन जो पार्टिकल गुड़ाक रेडिली पासेस थ्रू द पार्चमेंट मेम्ब्रेन क्लियर तापर देख कोलोइडल सल्यूशन केस कोलोइडल सल्यूशन पार्टिकल साइज कौन आउ टे बड़ ट्रु सल्यूशन पार्टिकल साइज ठार कोलोइडल सल्यूशन पार्टिकल टिके बड़ तो टिके बड़ माने कौन ये पार्चमेंट मेम्ब्रेन तुम कोलोइडल सल्यूशन टाक आड कले तो तुम कौन धीरे धीरे पास हे बुझीपाल कौन पर धीरे धीरे पास हम तो जेहेतु तुम कौन पार्टिकल साइजा टिके लार्ज हो जाऊँच तो से कौन ये कणा देखिए तुम कौन कौन कोलोइडल सल्यूशन कम पास करे क्लियर कि तुम सैंड सल्यूशन केस सस्पेंशन केस देख तो सस्पेंशन सल्यूशन टाक जिते मुझे कौन करी ए पार्चमेंट मेम्ब्रेन में आड करी तो जान सस्पेंशन पार्टिकल साइजा कौन लार्ज तो पार्टिकल साइजा लार्ज मैंने कौन ये मेम्ब्रेन देखिए पास करना कारण ये तुम मेम्ब्रेन छोट छोट कौन अच्छी यार पार्टिकल साइजा लार्ज तो ये ऊपर रही क्लियर तो ये कैसे लिख द पार्टिकल्स ट्रू सल्यूशन केस द पार्टिकल्स रेडिली पास थ्रो द पार्टिकल्स रेडिली पास थ्रो पार्चमेंट मेम्ब्रेन इट इज वन टाइप ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन द पार्टिकल्स रेडिली पास थ्रो सेमी रेडिली पास थ्रो पार्चमेंट मेम्ब्रेन ये कैसे लिख कोलोइडल सल्यूशन कैसे लिख द पार्टिकल पासेस स्लोली द पार्टी धीरे धीरे पार्टिकल पास कर द पार्टिकल पासेस स्लोली थ्रो पार्चमेंट मेम्ब्रेन थ्रो पार्चमेंट मेम्ब्रेन यही केस देख सस्पेंशन केस द पार्टिकल्स डू नॉट पासेस थ्रो द पार्चमेंट मेम्ब्रेन यही केस कौन पार्टिकल गुड़ाक पार्चमेंट मेम्ब्रेन देखिए पास कर ना क्लियर तापर देख लास्ट पॉइंट तो तुम कत पॉइंट गला छा पॉइंट गला तो लास्ट पॉइंट तुम कौन एग्जांपल दबो ट्रू सल्यूशन एग्जांपल दबो कौन सॉल्ट सल्यूशन सुगर सल्यूशन यूरिया सल्यूशन तो या तले लिख एग्जांपल एग्जांपल क्या आसो आम एग्जांपल ट्रू सल्यूशन सॉरी सॉल्ट सल्यूशन यूरिया सल्यूशन सुगर सल्यूशन क्लियर तो या केस रे आसो कोलोइडल सल्यूशन केस रे तुम स्टार सल्यूशन यार एग्जांपल क्या आसो स्टार सल्यूशन जिलाटिन ग्लू प्रोटीन एगुडा सब कौन आसो कोलोइडल सल्यूशन एग्जांपल स्टार सल्यूशन ग्लू ग्लू माने कौन अठा बुझा ग्लू तापर जिलाटिन जिलाटिन तापर मिल्क मिल्क इज वन टाइप ऑफ कोलोइडल सल्यूशन तापर यार एग्जांपल कौन कह सैंड सल्यूशन सस्पेंशन एग्जांपल सैंड सल्यूशन आ गोटे एग्जांपल कौन आसपार तो तुम मोड़ी वाटर कादू पानी एटा गोटे एग्जांपल ऑफ कौन सस्पेंशन मोड़ी वाटर मोड़ी वाटर तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन ट्रू सल्यूशन कोलोइडल सल्यूशन एंड सस्पेंशन क्लियर तो जब तुम एग्जाम आसा डिफरेंस व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ट्रू सल्यूशन कोलोइडल सल्यूशन पॉइंट सेम अच्छी बुझीपाल जो तुम सतटा पॉइंट बोल समस्त कौन पॉइंट सेम अच्छी खाली जहाँ टिके चेंजेस आस तो ट्रू सल्यूशन कोलोइडल सल्यूशन ये दुटा लिखो कोलोइडल सल्यूशन सस्पेंशन पड़ो मैंने ये दुटा ही लिखो ट्रू सल्यूशन लिखा दरकार ना क्लियर